मानता है। यहां पर भी जिसके दिल में ईमान नहीं है वो ये कह ही नहीं सकता है कि जनाबे सैयदा के कातलों पर लानत हो। हम लानत भेजते हैं तो वो फिर उसमें से भी चीजें निकालना शुरू करता है, नहीं नहीं आप ये ना कहें और यूं ना करें, ये इत्तेहाद के खिलाफ है। भाई इसमें इत्तेहाद के उनसे खिलाफ हो गया। ये आप हम सबको मुत्तहिद होकर कातिल पे लानत भेजनी चाहिए, ये ना इत्तेहाद इसमें है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर दुश्मन ज़हरा पर लानत करें, ये ना इसके अलावा कोई और इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही एक इत्तेहाद की राह। हाँ रह गया, आप कहते हैं ये था या वो नहीं था, वो एक इख्तलाफ अलग है, उसमें इख्तलाफ किया जा सकता है, ठीक है ना। जब तक आपको मालूम ना हो आप कहते रहें कि खुदा इससे राजी है, खुदा उससे राजी है, लेकिन सही बुखारी में आपने खुद लिख दिया है कि अगर जिससे फातिमा राजी नहीं है उससे खुदा राजी नहीं है। लेकिन इस पर इत्तेफाक होना चाहिए कि जो कातिल सैयदा है उस पर खुदा की लानत है, ठीक है ना। और खुदा ने कुरान में ये सरीह कहा है उस पर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। और मोमिन वो होगा जिसकी जबान से खुदा की लानत जारी हो। ये जो हम अगर लानत करते हैं कातिलीन सैयदा पर, ये खुदा की लानत है, सिर्फ हमारी जबान से जारी होती है और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसमें कोई इत्तेहाद के खिलाफ बात भी नहीं है। इसमें कौन से इत्तेहाद के खिलाफ बात, ये इत्तेहाद की बात ही यही है, है ना। विलायतुना अमानुन मिनल फुरका, हमारी विलायत ही तफरके से बचा सकती है। खुद फदक में खुद बीबी फरमाती हैं अगर तफरके से बचना है तो हमारी विलायत पर जमा होना होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारी विलायत से हट कर तुम कोई इत्तेहाद कर लो, उस वहदत का कोई फायदा ही नहीं है, वो वहदत जहन्नम में ले जाएगी सबको।